नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 12 अक्टूबर 2019, तो आज हम देखेंगे 12 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कल वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा था उसका आंसर क्या होगा। तो कल वाली वीडियो में दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर देख लेते हैं। तो वह क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए बना पहला राफेल फाइटर जेट RB-001 किस देश में बना है? तो ये दोस्तों फ्रांस में बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? फ्रांस इसका राइट आंसर हो गया। तो इसी प्रकार मैं आज के वीडियो के अंत में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे के साथ बना हुआ है, उस घंटे के साथ को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी PDF फाइल का लिंक दिया हुआ आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जाएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको सभी जितने भी पहले की वीडियो है उनकी PDF फाइल भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज के करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वह है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स, यानी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और जो केंद्रीय पेंशन आती है जिनकी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उनका महंगाई भत्ता कितना बढ़ा दिया गया है? तो उनका जो महंगाई भत्ता है ये दोस्तों 5% बढ़ा दिया गया है। यानी अब कितना हो गया? पहले शायद 12% था और अभी यह बढ़कर 17% हो गया है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वह 5% बढ़ गया है। अब इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है और सरकार ने भत्ता 5% बढ़ा दिया है दोस्तों, जिसका मतलब यह है कि भत्ता पहले 12% था जिसे बढ़कर अब यह 17% हो गया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस भत्ते की रकम जुलाई 2019 से दी जाएगी। इस फैसले की वजह से सरकारी खजाने पर 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह दोस्तों, किन को खतरे से आगाह करने के लिए जेमिनी सिस्टम शुरू किया गया है? तो दोस्तों, मछुआरों को खतरे से आगाह करने के लिए जेमिनी सिस्टम शुरू किया गया है। तो ये जेमिनी सिस्टम क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये फोटो में आप दोस्तों देख पा रहे हैं, इसका लोगो देख पा रहे हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो जेमिनी क्या है? तो जेमिनी दोस्तों एक पोर्टेबल रिसीवर है जिसे संचार ब्लैकआउट से बचने के लिए विकसित किया गया है दोस्तों। यह इसरो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है और फेल प्रूफ है और मछुआरों को खतरे से आगाह करता है दोस्तों। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने एक निजी कंपनी एकार्ड के साथ मिलकर एक बॉक्स के आकार का एक रिसीवर विकसित किया है, जिसमें एक एंटीना और इनबिल्ट बैटरी होगी जो 3 से 4 दिनों तक चार्ज रह सकती है, चल सकती है। तथा जेमिनी गगन पर काम करता है, जिसे इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों। ये भारत निर्मित वैश्विक जो पोजिशनिंग सिस्टम है और इसरो के जो G-SAT उपग्रह है उसके द्वारा जो पोजिशनिंग सिस्टम है उस पर निर्भर करता है। जब जेमिनी ऐप से जुड़ा होता है तो ये मछुआरों के आसपास के समुद्रों में मछली पकड़ने की संभावना को भी बता देता है। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और किस बैंक के विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और लक्ष्मी विलास बैंक के विलय प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी विलास बैंक। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ये फोटो में आप लक्ष्मी विलास बैंक देख पा रहे हैं। अब इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने या भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और लक्ष्मी विलास बैंक के विलय के प्रस्ताव को हाल ही में खारिज कर दिया है दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इंडिया बुल्स कॉमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड के स्वैच्छिक सम्मेलन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है दोस्तों। ये विलय लक्ष्मी विलास बैंक के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह अब उच्च स्तर के खराब ऋण और अपर्याप्त पूंजी के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे के अंतर्गत है। तो ये थे इस
क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है रूस ने किसको अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ क्रेस से सम्मानित किया है। तो रूस ने दोस्तों हाल ही में जो एस्ट्रोनॉट निक हैग हैं इन्हें अपने देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ क्रेस से सम्मानित किया है। तो ये एस्ट्रोनॉट निक हैग कौन है इनके बारे में जानते हैं। तो ये फोटो में आप दोस्तों निक हैग को देख पा रहे हैं। अब इनके बारे में आपको बता दें कि रूस ने नासा के एक साइंटिस्ट है एस्ट्रोनॉट निक हैग जिनको अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ करेज से सम्मानित किया है। दोस्तों निक हैग हैं ये रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओचिनिन के साथ एक अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण से बच गए जब अक्टूबर 2018 में कजाकिस्तान के बेकोनूर कॉस्मोड्रोम से ब्लास्ट ऑफ के बाद उनका सोयूज रॉकेट विफल हो गया था। दोस्तों इसके बारे में और देखें तो हैग को उनके साहस और उच्च व्यवसायिकता के लिए सम्मानित किया गया है जो भयावह जीवन स्थितियों के दौरान दिखाया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार या केंद्र सरकार ने किस राजस्व संग्रह और प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो केंद्र सरकार ने दोस्तों GST राजस्व संग्रह और प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए एक समिति का हाल ही में गठन किया है जिसके बारे में जानते हैं। तो GST के बारे में आप जानते होंगे, उसके बारे में देख लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो केंद्र सरकार ने GST राजस्व संग्रह और प्रशासन को बढ़ाने के उपायों के सुझाव देने के लिए अधिकारियों की एक समिति का हाल ही में गठन किया है। दोस्तों पैनल के संदर्भ की शर्तों में स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार के लिए, दुरुपयोग को रोकने के लिए, चेक्स और बैलेंस सहित माल और सेवा कर में प्रणालीगत बदलाव से संबंधित सुझाव देना शामिल है। दोस्तों पैनल को कर आधार के विस्तार के उपायों पर इनपुट देने का काम भी दिया गया है। समिति को अपनी पहली रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर GST परिषद सचिवालय को सौंपनी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सी बैंक बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने DCB के विलय को मंजूरी दे दी है। तो हाल ही में दोस्तों केरला बैंक या केरल बैंक के निर्माण के लिए रिजर्व बैंक ने DCB के विलय को मंजूरी दे दी है। तो ये DCB क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो जो केरल बैंक है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो नीचे फोटो में आप देख पा रहे हैं केरला बैंक का लोगो और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो देख पा रहे हैं जिसने हाल ही में अनुमति दी है। दोस्तों DCB जो बैंक है जिसका नाम हो गया डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक यानी जिला सहकारी बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो प्रस्तावित केरल बैंक है उसको बनाने के लिए केरल राज्य सहकारी बैंक के 13 जिला सहकारी बैंकों को समामेलित करने के लिए केरल सरकार को आगे बढ़ाया है, उसको सर्वसम्मति दे दी है। तो 13 जिला सहकारी बैंकों को मिलाकर केरल में एक केरल बैंक नाम से बैंक बनेगा। इसके बारे में और देखते हैं। तो विपक्षी कांग्रेस नीत गठबंधन नियंत्रित मल्लपुरम सहकारी बैंक को छोड़कर शेष सभी जिला सहकारी बैंकों ने सरकार के इस कदम को मंजूरी दे दी है। अब दोस्तों सरकार के विलय के लिए रखी गई शर्तों को पूरा करना होगा और 31 मार्च 2020 से पहले शीर्ष बैंक को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। RBI ने यह भी जोर दिया है कि राज्य सरकार को अतिरिक्त पूंजी का लगातार उल्लंघन करना होगा और KSCS अधिनियम द्वारा संशोधन करके संरचित शासन विधि में रखना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों, खगोलविदों की एक टीम ने कितने नए चंद्रमाओं की खोज की है। तो हाल ही में दोस्तों खगोलविदों की एक टीम है जो रिसर्च कर रही है उसने 20 नए चंद्रमाओं की खोज की है। तो आप सोच रहे होंगे 20 नए चंद्रमा खोजे ये क्या नया लपड़ा है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इसका राइट आंसर देख लीजिए, 20 इसका राइट आंसर हो गया। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये फोटो में आप देख पा रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों खगोलविदों की एक टीम है जिसने 20 नए चंद्रमाओं की खोज की है जो कि दोस्तों शनि ग्रह की परिक्रमा हाल ही में कर रहे हैं। तो इस खोज ने कुल 82 चंद्रमाओं को खोज निकाला है जबकि बृहस्पति के पास 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं और चंद्रमा की खोज हवाई के मोनाका पर सुबारु टेलीस्कोप का उपयोग करके की गई है। दोस्तों शनि के चारों ओर कक्षा में नई खोज की गई प्रत्येक वस्तु लगभग 5 किलोमीटर व्यास की है और उनमें से 17 ग्रह पीछे यानी प्रतिगामी दिशा की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों अन्य 3 चंद्रमा एक प्रतिगामी दिशा में परिक्रमा करते हैं अर्थात शनि जिस दिशा में घूमता है। दोस्तों वाशिंगटन DC यानी अमेरिका की जो राजधानी है वहाँ के
जो कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के डॉक्टर स्कॉट शेपर्ड हैं, उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजिल्स के डेविड जेविट और हवाई विश्वविद्यालय के जन कलेना सहित खगोलविदों की टीम का नेतृत्व किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का अगला जो क्वेश्चन है वह है, साहित्य 2018 का नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो 2018 का जो साहित्य नोबेल पुरस्कार है वह दोस्तों ओल्गा तोकारचुक को देने की घोषणा की गई है, और साहित्य 2019 का जो नोबेल पुरस्कार है वह पीटर हैंडेकी को देने की घोषणा की गई है। तो इसके बारे में हम जानकारी देखते हैं। तो फोटो में दोस्तों आप ओल्गा तोकारचुक और पीटर हैंडेकी को आप क्रमशः देख पा रहे हैं। तो इन दोनों को साहित्य नोबेल में पुरस्कार दिया जाएगा। तो किसके लिए इनका पुरस्कार दिया जाएगा इसके बारे में देखते हैं। तो स्टॉक होम की स्वीडिश अकादमी में साहित्य 2018-2019 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। दोस्तों दोनों विजेताओं को 9 मिलियन क्रोनर यानी 9,18,000 डॉलर का नगद पुरस्कार, एक स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल और एक डिप्लोमा दिया जाएगा। दोस्तों साहित्य 2018 का नोबेल पुरस्कार जो पोलिश लेखिका हैं ओल्गा तोकारचुक को दिया गया है, उन्हें यह पुरस्कार जीवन की परिधियों से परे एक कथात्मक परिकल्पना करने के लिए दिया गया है। वहीं साहित्य 2019 का जो नोबेल पुरस्कार है वह ऑस्ट्रेलियाई लेखक पीटर हैंडकी को दिया गया है, उन्हें दोस्तों यह पुरस्कार भाषाई सरलता के साथ मानवीय अनुभवों की विशेषता और परिधि के बाहर एक प्रभावशाली काम करने के लिए दिया गया है। तो ये जानकारी होगी इस क्वेश्चन के बारे में। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वह दोस्तों यस बैंक के वर्तमान सीओओ कौन बने हैं? तो यस बैंक के जो सीओओ बने हैं उनका नाम है अनीता पाई। तो अनीता पाई को यस बैंक का सीओओ हाल ही में बनाया गया है। तो यस बैंक के सीईओ कौन है? यस बैंक के सीईओ रवनीत गिल हैं। यस बैंक के सीईओ हैं, सीओओ जिसकी फुल फॉर्म आपको अभी बताएंगे, वह बनी है अनीता पाई। इनके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों यस बैंक के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जिसे हम सीईओ कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये है रवनीत गिल। और यस बैंक के जो अनीता पाई है उन्हें बैंक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है। वहीं दोस्तों जसनीत बादशल हैं, इन्हें चीफ मार्केटिंग ऑफिसर यानी सीएमओ बनाया गया है। अब जानते हैं दोस्तों इसके बारे में और जानकारी। तो अनीता पाई दोस्तों बैंक के संचालन और सेवा वितरण का नेतृत्व करेंगी और ऋणदाता के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों को भी देखेंगी। वहीं जसनीत बादशल हैं, यह बैंक के विपणन और संचार प्रयासों का नेतृत्व करेंगी। अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम जो क्वेश्चन है वह दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हाल ही में कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस या इंटरनेशनल वुमेन डे चाइल्ड डे है, यह दोस्तों कब मनाया गया है? यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और 11 अक्टूबर को इस बार मनाया गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर दोस्तों, बेटी नहीं है किसी से कम, बेटी से देश को मिलेगा दम। तो इसके बारे में देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल संयुक्त राष्ट्र में 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन का उद्देश्य बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है, इस दिवस का जो है प्रमुख उद्देश्य है। और 2019 की जो इस वर्ष की थीम रही थी इस दिवस की वह क्या रही थी? वह रही थी दोस्तों गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल, ये 2019 का विषय रहा था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूँ जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो वह क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? ये कल वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा था, यदि आपने वह वीडियो देखा है तो आपका ये आंसर जरूर सही होगा। ऑप्शन है आपके पास 2 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 7 अक्टूबर या 30 सितंबर। तो इन चारों में से जो भी राइट आंसर होगा वह राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे सभी वीडियो आप जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से शेयर जरूर कर दें। आपने अभी तक कलाम स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का स्थान है उस घंटे के स्थान को दोस्तों आप जरूर दबा दें जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।